नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति पाल। देख रहे हैं आप टीवी 24 नेटवर्क। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले को गुजरे आज 2 साल हो चुके हैं। आज सिद्धू मूसेवाले की दूसरी बरसी है। 2 साल पहले आज ही के दिन सरेआम गोली मारकर सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी गई थी, लेकिन उन्हें आज भी इंसाफ नहीं मिल सका। ऐसे में बेटे को याद करके उनके पिता भावुक हो गए हैं और उन्होंने जनता से कांग्रेस कैंडिडेट को जिताने की अपील की है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह कांग्रेस के लिए प्रचार करते नजर आए, जिसकी सबसे बड़ी वजह बेटे को इंसाफ ना मिलना है। इस दौरान बलकौर सिंह के हाथ में 2 पन्नों का पोस्टर था, जिसमें सिद्धू मूसेवाले की मौत से जुड़े 9 सवाल पूछे गए हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि कांग्रेस प्रत्याशी को जिताकर संसद पहुंचाएं और वे सदन में इन सारे सवालों का जवाब सरकार से जरूर लेंगे। आपको बता दें कि 1 जून को पंजाब की 13 सीटों पर मतदान होना है। मतदान से ठीक पहले सिद्धू मूसेवाले की बरसी है। ऐसे में बेटे को याद करके बलकौर सिंह इमोशनल हो गए। उन्होंने सिद्धू के फैंस से खास दरख्वास्त की है कि 1 जून को मतदान करने अवश्य जाएं और जो उनके बेटे की मौत के जिम्मेदार हैं उन्हें हरा कर आएं। बलकौर सिंह ने कहा कि इस पूरे चुनाव में मेरा फोकस सिद्धू मूसेवाले को न्याय दिलाने पर है। किसी भी राजनीतिक दल में मेरे बेटे की मौत को चुनावी मुद्दों में शामिल नहीं किया जाए, इसलिए मैं प्रत्याशियों से भरोसा चाहता हूं कि जीतने के बाद वो मेरे बेटे को इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि बलकौर सिंह की पत्नी और सिद्धू मूसेवाले की माँ चरण कौर ने इसी साल मार्च में एक बेटे को जन्म दिया था। परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार चरण कौर अक्सर सिद्धू मूसेवाले का गाना जियर मामा सुनती हैं और अपने बेटे को भी सुनाती हैं। इससे उन्हें बेहद सुकून मिलता है। वहीं सिद्धू मूसेवाले को 29 मई 2022 को दिन दहाड़े 19 गोलियां मारी गई थी। इस केस में 34 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज हुई है और 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामले की पूरी छानबीन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर जाकर थम गई। इस मर्डर में गोल्डी बराड़ का भी हाथ है। गोल्डी बराड़ कनाडा में है। यही वजह है कि सिद्धू के हत्यारों को अभी तक सजा नहीं मिल सकी। तो मूसेवालों के परिवार के साथ साथ उनके फैंस को भी अभी इंतजार है इंसाफ का। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए टीवी 24 नेटवर्क से।